होती है ट्रैवल वाली, वहाँ लेके चलो बस, वहाँ जाए तो बैठो चलो सबको बस वहाँ। प्रेम दर्शनम चैनल पर आज देख रहे हो आप जिसको कि भूतों का मंदिर बोलते हैं, गोविंद देव जी का मंदिर है ये। इतना भव्य और शानदार हुआ करता था ये कि ये 7 मंजिल का था जिसको कि तोड़कर जो है औरंगजेब ने तोड़वा दिया। उसको इतनी जेलसी हुई हिंदुओं के मंदिर से कि उसने तोड़वा दिया और अब ये 3 मंजिल का ही मंदिर बचा हुआ है। आप इसकी भव्यता देखिए कितना शानदार तरीके से ये बना हुआ है, तो दिखाऊंगा। देखिए इसके पिलर वगैरह देखिए आप कितने शानदार तरीके से बने हुए हैं। और ये टूटने के बाद में काफी टाइम तक ऐसे खंडित और खंडर रूप में पड़ा रहा, तो इसलिए लोगों में मान्यता हो गई कि ये भूतों का मंदिर है। आपको अगर मैं देखूं तो देखिए आपकी देखिए यहाँ पर कैसी ये जो है पत्थरों की बनावट है, कितनी मेहनत से बना हुआ है। और ऊपर देखिए आप वहां पर ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, यहाँ पर बहुत मेहनत से बनाया गया है। और इसके अंदर जो पत्थर लगे हुए हैं ये माना जाता है कि इन पत्थरों को यहाँ से तोड़कर मस्जिद में लगाया गया जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास है। इस मंदिर के ऊपर 50 किलो का दीपक जो है जलता था। 50 किलो के दीपक की रोशनी इतनी भयंकर रोशनी होती थी कि जब उसकी रोशनी बहुत दूर तक दिखाई देती थी। इस मंदिर के ऊपर जो 50 किलो का जो दीपक रखा रहता था बहुत दूर दूर तक उसकी रोशनी दिखाई देती थी। तो एक दिन औरंगजेब जो है आगरा से जो है दिल्ली जा रहा था, तब उसने देखा कि ये रोशनी कहां से आ रही है। उसने अपनी सेना से पूछा तो उसने बोला कि ये उस मंदिर से आ रही है। तो उसको बहुत चिढ़न हुई और उसको लगा कि ये हमारी मस्जिद से सुंदर कैसे हो सकता है। तो उसने उसी टाइम पर जो है इस मंदिर को तोड़ने का जो है फरमान जारी कर दिया। पर उससे पहले ही पुजारी जी को दर्शन आ गया भगवान का। उन्होंने बोला कि आप जो है यहाँ पर कुछ आक्रमण हो सकता है, मुझको भी हानि पहुंच सकती है। तो यहाँ के पुजारी ने जो है यहाँ के जो गोविंद देव जो भगवान थे उनको यहाँ से जयपुर वृंदावन जो है शिफ्ट कर दिया। और उनको यहाँ से वृंदावन जयपुर पहुंचने में 12 साल लगे, एकदम से यहाँ से जयपुर वो नहीं गए। मंदिर की संरचना के बारे में इसमें देखो लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से ये जो है बना हुआ है। और यहाँ की दीवारों पर भी कुछ ना कुछ भाषा में लिखा हुआ है जो कि इतना समझ में आता नहीं है। और ये पुरातत्व विभाग के हाथों में है जो कि इसकी देखरेख करता है। मंदिर में आप जैसे ही मेन गेट से एंट्री करते हो तो सामने ही मंदिर है। और आपके एंट्री करने के साथ साथ आपके साथ में बंदर भी आएंगे, क्योंकि यहाँ के बंदर ऐसे हैं जो कि भीड़ के साथ में चलते हैं और उनसे पर्स मोबाइल छीन कर ले जाते हैं। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पे बंदरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कैसे भी बंदर एंट्री करके सीधे चले जा रहा है। अब जो ये आप देख रहे हो ये इसमें पहले ही हीरे जवाहरात से लगे हुए थे, सोने की परत चढ़ी हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि इसको तोड़ दिया गया, इसमें से सारे हीरे जवाहरात और सोने की परत पूरी निकाल ली गई। इस मंदिर की जो बाहर की संरचना है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप जाओगे और राइट हैंड साइड से अगर आप जाके देखोगे तो ये दोनों तरफ से एक जैसा दिखता है, एक जैसी इसकी बनावट है। अब आप ज़रा सोचिए कि अगर ये मंदिर अगर अपने असली रूप में होता और जैसा कि इतिहास में लिखा हुआ है कि ये वृंदावन के सुंदर और भव्य मंदिरों में से एक था, तो आप सोच सकते हो कि ये कितना सुंदर होता आज के समय में ये मंदिर। और इस मंदिर के बारे में बता दूं कि इस मंदिर की जो सुंदरता थी इसी की वजह से जो है औरंगजेब को इससे नफ़रत हो गई थी कि उसको लगा कि हमारी मस्जिद तो है ही नहीं इतनी अच्छी। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा कुछ मानसिंह करके लिखा हुआ है, तो इससे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो मानसिंह जो थे उन्होंने, राजा मानसिंह जो थे जयपुर के, उन्होंने इसको बनवाया था। और ये मंदिर का पीछे का हिस्सा है जहाँ पर कि यहाँ के पुजारी वगैरह रहते हैं। और यहाँ पर एक बैठने का बना हुआ है, उसके ऊपर एक छोटी सी ये छत जैसी भी बनी हुई है। आप ज़रा कल्पना करिए कि पुराने टाइम में जब कोई भी ऐसे रिसोर्स नहीं होते थे कि जिनका उपकरणों का सहारा लेकर हम बना दें, तब उस टाइम पर ये मंदिर इतने भव्य और शानदार बनाए गए हैं। उस टाइम की कारीगरी का क्या मतलब सराहनीय है, उस टाइम के कारीगर जो बनाते थे मंदिरों को।
और इतनी सुंदर संरचना है, इतना मजबूत है, ये नीचे मजबूती से पिलर बने हुए हैं और दोनों तरफ की सेम संरचना है। बस ये है कि पीछे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में एक तरफ जो है योग माया का मंदिर है और एक तरफ लक्ष्मी का मंदिर है। तो ये थी पूरी कहानी जो है इस मंदिर की, और ये कहानी आपको जानने को मिली ब्रज दर्शनम चैनल पर, जिस पर कि हम ब्रज की जुड़ी हुई चीज़ें लाते रहते हैं, यहाँ के मंदिरों के दर्शन कराते हैं और यहाँ की कहानियाँ, श्री कृष्ण राधा रानी की कहानियाँ बताते हैं। तो अगर आपको आज इस वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रा कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।